हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो पीडीएफ है, यानी जो कंटेंट मटेरियल है, इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। फिलहाल हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट एक मोटी दीवार वाला बैग है, इसका आकार चपटे जे की तरह है और यह आहार नलिका का सबसे चौड़ा हिस्सा है। यह एक छोर पर सेकेंड से भोजन प्राप्त करता है और दूसरे छोर पर थर्ड में खुलता है। यह फोर्थ नामक हार्मोन का स्राव करता है जो कई जीवाणुओं को मारता है। अब आपको बताना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ की जगह पर क्या प्लेस किया जा सकता है। तो गाइज, अगर हम इस फिगर को देखें तो आप इसे देख रहे होंगे, जे की तरह दिखता है। यानी कि यहाँ बात की जा रही है हमारे स्टमक की, यानी जब हम खाना खाते हैं तो वो सीधा हमारे पेट में जाता है, तो उसी की बात की जा रही है। और अगर आप देखिए तो इसका एक सिरा आपकी आहार नलिका से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक एसिड का प्रोडक्शन करता है, जिससे क्या होता है कि जो आपको भोजन होता है, यानी जो भी आप खाते हैं, जो आपके स्टमक में जाता है, उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक हो जाता है, जिससे उसके डाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो यहाँ बेसिकली बात की जा रहा है स्टमक की। यानी स्टमक क्या है, एक मोटी दीवार वाला बैग है, इसका आकार जे की तरह है और यह आहार नलिका का सबसे चौड़ा हिस्सा है। आप फिगर से समझ ही रहे होंगे। और उसके बाद कह रहा है कि यह एक छोर पर आहार नलिका से भोजन प्राप्त करता है, यानी कि भोजन नली से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है और दूसरा सिरा जो है वो छोटी आंत में जाकर खुलता है और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक एसिड का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो इसलिए यहाँ पास जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकेंड। यहाँ आपके स्टमक की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक महिला अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने बैंक तक 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाती है और 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वापस लौटती है, तो उसकी पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी, यानी कि एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये क्या कह रहा है कि एक लेडी है, वो अपने घर से बैंक जाना चाहती हैं। डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से साइकिल चला के वो बैंक जाती हैं और 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो साइकिल चलाकर वापस आती हैं। अब आपसे कह रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है, यानी एक्स स्पीड से जाती हैं, वाई स्पीड से वापस आती हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो उनका एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा यही होता है, 2xy/(x+y), जहाँ एक्स आपकी पहली स्पीड है और वाई क्या है, सेकेंड स्पीड है। इस फॉर्मूले से जब आप इसके स्पीड निकालेंगे, यानी एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये आपके काफी काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी यहाँ आपके एग्रीकल्चरल प्रोसेस के बारे में दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा एग्रीकल्चरल प्रोसेस सही सीक्वेंस में है। सबसे पहले हम एग्रीकल्चरल प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम मिट्टी को तैयार करते हैं, यानी उसको जोतते हैं या खोदते हैं, जिससे मिट्टी तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद उसमें बीज को हम बोते हैं। बीज बोने के बाद क्या करते हैं, थोड़े छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, तो उनको फर्टिलाइजर्स वगैरह देते हैं, यानी कि खाद वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनका जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए। उसके बाद क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, यानी उनको पानी देते हैं। पानी की भी तो जरूरत होती है। पानी देने के बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो उगाते हैं, यानी हमारी फसल के साथ साथ कुछ घास फूस भी उगाते हैं, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको खींच लेते हैं। इसलिए उन्हें उखाड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसे हम निराई के माध्यम से उखाड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम अपने फसल को काट लेते हैं, जिसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने के बाद फसल से अनाज को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग करने के बाद हम अपने अनाज को स्टोर कर लेते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है किसका, एग्रीकल्चरल का। और जो आपका विनोइंग होता है, विनोइंग मतलब फटकना, विनोइंग क्या होता है, ये आपका स्टोरेज के बाद का आता है, यानी जो छोटे छोटे घास फूस रह जाते हैं उनको हम फटकते हैं और उसके थ्रू हम अनाज को एकदम साफ कर लेते हैं। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस सही होगा, आइए जानते हैं। पहला कह रहा है, कटाई से पहले विनोइंग की जाती है। जी नहीं, अगर फसल ही नहीं आएगी तो हम कैसे उसको काट, मतलब विनोइंग करेंगे, कैसे हम उसको भूसी से अलग करेंगे, तो पहला तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है, बुआई जुताई से पहले की जाती है, क्या ऐसा पॉसिबल है। नहीं, पहले जुताई की जाती है फिर उसके बाद बुआई की जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है, थ्रेसिंग के बाद जुताई की जाती है, यानी कि पहले थ्रेसिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद जुताई करते हैं। जी नहीं, पहले हम
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि पहले हम जुताई करते हैं फिर उसके बाद थ्रेशिंग की जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कटाई के बाद थ्रेशिंग की जाती है, एकदम सही है। पहले हम क्या करते हैं, अपनी फसल को खेतों से काट कर ले आते हैं घर, फिर उससे क्या करते हैं अनाज को अलग कर लेते हैं, और फसल जैसे कि गेहूं हो गया, गेहूं की बालियां आप काट के ले आते हो, बालियों से गेहूं निकालने का जो काम होता है वो कहलाता है थ्रेसिंग। तो वही सिस्टम यहाँ बताया जा रहा है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी इनमें से जो भी स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला कह रहा है धातु तो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके धातु तो लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करते हैं, सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि आमतौर पर धातु तो गर्मी और बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के, एकदम सही है। आप कोई लोहे की छड़ ले लीजिए, उसमें इलेक्ट्रिक का प्रवाह क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। उसे आप आग के सामने रख लीजिए तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, यानी कि उसमें हीट का भी फ्लो हो रहा है तेजी से, तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, और यहाँ हमसे पूछ क्या रहा है, गलत ही पूछ रहा है। इस वजह से थर्ड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के बिहाफ पे, क्योंकि यहाँ नॉट लगा है। फोर्थ कह रहा है कुछ धातुएं धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, यानी रिएक्ट करती हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नॉट के अकॉर्डिंग वो आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, वही कहना है आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको बताना है कि इसके प्लेस पे क्या होगा। हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं कि मेंढकों में फर्स्ट की प्रक्रिया हार्मोन सेकेंड द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसके उत्पादन के लिए पानी में थर्ड की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि इनमें से सही क्या होगा। ये फिगर आप देख रहे हो, ये फिगर दिखा रहा है मेटामॉर्फोसिस, यानी मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें, यानी कि अंडे से मेंढक बनने की प्रक्रिया में जो जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जो जो प्रोसेस होते हैं, उनको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं कायापलट, यानी कि शरीर का बदलना। अंडे से एक मेंढक बन रहा है धीरे धीरे, कैसे प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसी को कहते हैं कायापलट। तो यहाँ बेसिकली फर्स्ट तो यही हो जाएगा कि मेंढकों में कायापलट की जो प्रक्रिया है वो हार्मोन, कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की, सॉरी थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसके नियंत्रण में होता है, यानी इनके अंदर एक थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो इनके डेवलपमेंट के प्रोसेस को, यानी बॉडी के डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंट्रोल करती है। उसके बाद, और ये जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये पानी में आयोडीन की प्रेजेंस में ही बनेगा, यानी अगर जिस पानी में मेंढक के अंडे हैं उसमें आयोडीन की प्रेजेंस नहीं है तो उनके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा, जिससे कि उनकी बॉडी के जो प्रोसेस है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट की जगह आपका होगा कायापलट, सेकंड की जगह होगा थायरोक्सिन, और थर्ड की जगह होगा आपका आयोडीन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इधर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। वही सेम प्रोसेस लिखा हुआ है कि लार्वा से मेंढक बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में क्षार पदार्थों का एक समूह है, यानी कि इनमें से कई सारे पदार्थ आपको, पदार्थ कई सारे मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं, कई सारे सब्सटेंस प्रोवाइड किए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये नेचर में बेस किस तरह से है, यानी कौन कौन से बेस हैं, ये आपको बताना है। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ सिरके, सिरका क्या है, एसिटिक एसिड है, यानी एसिटिक नेचर में है, ये तो नहीं होगा। फिर दूसरे की बात करें तो नींबू का रस, दही, इसमें भी क्या होता है, एसिड होता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे की बात करें तो ये हो सकता है। अगर चौथे की बात करें तो नींबू का रस यहाँ दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एसिड होता है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैलामाइन लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट, विंडो क्लीनर, ये के क्या होते हैं, बेस होते हैं, यानी क्षार होते हैं, नेचर में ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि सही विकल्प क्या है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक में आपका स्टेटमेंट है, दूसरे में रीजन है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि पिघलने पर सभी ठोस पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, क्या सही है ये, पिघलने पर सभी ठोस पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है? जी नहीं, आयतन कम हो जाता है। जब भी आप बर्फ को मेल्ट करेंगे तो पानी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा,
अब 1 ग्राम बर्फ ले लीजिए, 1 ग्राम पानी ले लीजिए, आप एनालाइज करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो बर्फ का आयतन है वो पानी के आयतन से ज्यादा होगा। यानी जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे किसी भी सब्सटेंस को, वो अपनी स्टेट को बदलेगा, और जैसे स्टेट ट्रांसफॉर्म होगी, चेंज होगी, तो उसका जो वॉल्यूम होगा यानी आयतन जो होगा वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड कह रहा है ठोस पदार्थों वाले परमाणुओं का आकार तब बढ़ता है जब वे पिघलते हैं। तो बढ़ने की बात नहीं करेंगे, घटता है, यानी आकार में घटेंगे ना कि बढ़ेंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है, यानी स्टेटमेंट भी गलत है, रीजन भी गलत है। यहाँ फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक साइकिल चालक 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति क्या है? यानी आपसे स्पीड पूछ रहा है, स्पीड बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या दी हुई है? 360 मीटर। टाइम क्या दिया हुआ है? 2 मिनट। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा ये मीटर पर सेकंड में है, तो 2 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 120। 360 अपॉन में 120, तो यहाँ आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके आंसर आपको बताना है। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उसे कितनी दूरी पर अवतल दर्पण वस्तु की आभासी छवि का उत्पादन करने के लिए रखा जा सकता है, यानी कि वर्चुअल इमेज क्रिएट करना है, तो आपको बताना है कि किस डिस्टेंस पर, यानी कॉनकेव मिरर से किस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए जिसकी उसकी जिससे उसकी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो सके। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट हो जाएगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको रीजन दिया हुआ है, आप रीजन अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर आपका 10 सेंटीमीटर ही क्यों आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके पानी में घुलनशील यौगिक देता है जो लाल लिटमस नीले रंग का हो जाता है। इस घोल का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है। अब आपको बताना है कि कौन से एलिमेंट की बात की जा रही है, यानी कि जब एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वो एक यौगिक बनाता है, यानी कि एक कंपाउंड बना देता है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, और इस घोल का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है। तो एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ जो आपका एलिमेंट है वो है कैल्सियम, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। ये अभी आपका जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था जनवरी दिसंबर में सीटेट का, उसमें ये सभी क्वेश्चंस आए हुए थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है और उसमें पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, और आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। इमेज के थ्रू आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ऐसे वीडियोज़ डेली आपको मिलते रहेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।